मनीषा द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से आए हैं डेरा सच्चा सौदा में। आखिर उन लोगों से डायरेक्ट जानते हैं कि वो लोग डेरा सच्चा सौदा में आज भी क्यों आ रहे हैं, क्यों गुरु जी से जुड़े हुए हैं, ऐसा क्या है डेरा सच्चा सौदा में जो लोग अब तक डेरा में आ रहे हैं। तो डायरेक्ट आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जो यहाँ डेरे में आते हैं, खासकर की लड़कियाँ, उनसे आपसे बात कराते हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका है। कहाँ से आई हैं आप? पंजाब से। तो आप क्या कर रही हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, BSc कर रही हूँ मैम। बट मैंने तो सुना है यहाँ सिर्फ अनपढ़ आते हैं। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत फैमिली है। यहाँ पे ऊँचे से ऊँचा जो बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा आदमी भी है ना, चाहे कोई किसी कंपनी का डायरेक्टर भी है, वो भी आ सकता है यहाँ पे। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एजुकेटेड पर्सन आते हैं यहाँ पे। तो ऐसा क्या है आखिर डेरा सच्चा सौदा में जो आप अब तक यहाँ? हमारे गुरु का प्यार हमें खींच लाता है। जैसे कि उन्होंने बहुत सारे मानवता भलाई के कार्य किए हैं, जैसे सफाई महाअभियान हमारे यहाँ पे, मतलब यानी कि सफाई करना बहुत मान्यता है कि घरों में हम सफाई रखते हैं, लेकिन उन्होंने हमें सिखाया कि हमें आसपास भी सफाई रखनी चाहिए। हमें ऐसी बातें सिखाई जो कि हमें शक्ति देती हैं, ताकत देती हैं। उन्होंने स्पेशली जो मतलब गर्ल चाइल्ड है उनको मतलब यानी कि हौसला देते हैं, वो मतलब कि उनको ताकत देते हैं। हमें बहुत सारी सीखने की चीज़ें ऐसी सारी बताई हैं। मैम आप एक गर्ल है, यस, तो क्या आप यहाँ पर अपने आप को सिक्योर फील करती हैं जब भी आती हैं? यस ऑब्वियसली, बहुत ज़्यादा। बट मीडिया में तो आया था कि यहाँ पे आने वाली गर्ल सेफ नहीं है। नहीं नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं हम, क्योंकि ऐसा कि जब तक हम यहाँ पे अगर यहाँ पे हम पैर रखते हैं ना, जब तक हम यहाँ पे रहते हैं हमारा ध्यान पूरा मतलब जो हमारे गुरु जी हैं वो रखते हैं हमारा ध्यान। हमें फिक्र ही नहीं होती पीछे हमारे घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हमारा पूरा का पूरा ध्यान हमारे गुरु जी रखते हैं। ऐसा क्या है गुरु जी में जो लोग अभी तक उनसे जुड़े हुए हैं इतना सब होने के बाद? हाँ, वो हमें मतलब जैसे अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। वो बोलते हैं मतलब हमारा जैसे मुझे 10 साल हो गए हैं नाम लिए यहाँ से गुरु का, सिमरन के लिए हुए, तो वो हमें मतलब बहुत अच्छी तरीके से मतलब सिखाया है उन्होंने, ज़िंदगी का पाठ सिखाया है कि हमें कैसे। मैम क्या ये अंधविश्वास नहीं कि इतना सब होने के बाद? नहीं नहीं, बिल्कुल भी। अंधविश्वास वो होता है जो मतलब अपने गुरु को जैसे कि बहुत ज़्यादा ऊपर तक लेके जाए भी हमारा गुरु ऐसे है, हमारा गुरु ऐसे है। हम भी बोलते हैं लेकिन हमारे गुरु जी ने एक बात सिखाई है भी, आप हमें इतना भी ज़्यादा मत करिए कि हमारा मजाक, मतलब वो बोलते हैं कि लोगों में वो अच्छा इंसान होता है, वही सच्चा इंसान, वही गुरु को मानने वाला होता है जिसका कभी भी विश्वास डोले ना। तो जो लोग डेरा में नहीं आते आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम उन्हें यही मैसेज देना चाहेंगे कि एक बार यहाँ पे आकर देखें, मतलब अगर आपको विश्वास है, मतलब थोड़ा सा भी अगर आपके दिल में उनके लिए कुछ है, विश्वास है, जो मतलब यानी कि यहाँ पहले भी भक्त हैं लेकिन अब नहीं आते, उनको यही सलाह देंगे कि अगर आप में थोड़ा सा भी विश्वास है तो आके यहाँ पर देखें, और अगर आपको मतलब फिर भी तसल्ली नहीं होती तो वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन एक बार आकर क्या आपको लगता है गुरुजी अगर समाज में आते हैं तो कोई बदलाव आएगा? हाँ जी ज़रूर, क्योंकि पहले ही इतना वो बदलाव कर चुके हैं, ठीक है। पहले ही उन्होंने, क्योंकि हमारे जो ग्रंथ है ना डेरा के, वहाँ पे पहले ही उन्होंने लिख रखा है, तो वो आजकल हो रहा है। जो पहले ही उन्होंने बताया था कि जो ये किसान वाला धरना, आजकल हम करंट टॉपिक ही ले लेते हैं, ठीक है, चल रहा है, तो उन्होंने पहले ही हमारे ग्रंथ में लिख रखा था कि ये सब होना ही है, तो वो हो रहा है, मतलब कि उन्होंने पहले ही बता रखा है। और जो ये सफाई के कार्य हैं उन्होंने पहले भी बदलाव किए हैं, अब भी बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं। तो आप डायरेक्ट सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से यही कि मतलब हमारे जो गुरुजी हैं वो उनको जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए, और मतलब क्योंकि वही एक इंसान है हमारे लिए, तो वही हैं, वही सब कुछ हैं, वही भगवान हैं भी, वही हमारे लिए अच्छे कार्य करते हैं, मतलब हमें सच्चाई के रास्ते पर जीना सिखाते हैं। तो उन्हें हम यही कहेंगे कि वो हमें जल्द से जल्द हमारे गुरुजी को छोड़ दें, और वो ताकि अच्छे कार्य और कर सकें मानवता भलाई के। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको मिलवाया उन लोगों से, उन गर्ल्स से जो डेरा में आती हैं, जो एक्चुअल में गुरु जी से जुड़ी हुई हैं, और उनका ये कहना है कि बाबा जी गलत नहीं थे, गुरु जी ने आज तक उन्हें अच्छा काम ही करना सिखाया। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए, आप क्या सोचते हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में, बाबा राम रहीम जी के बारे में। देखते रहिए हमारा चैनल द फैक्ट टाइम। थैंक यू सो मच।